समर सीजन का एनिमे एक के बाद एक रिलीज होना चालू हो गया और इस वीडियो में तीन एनिमे फीचर हैं। तो फर्स्ट एनिमे है द स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिशियन इन द डीमन लॉर्ड आर्मी वॉज अ ह्यूमन। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि डीमन लॉर्ड की आर्मी में एक मैजिशियन है जो ह्यूमन है, जिसका नाम है ईके। और ईके को डीमन आर्मी के पावरफुल और फेमस मैजिशियन रॉमबर्ग ईके को अडॉप्ट कर लेता है क्योंकि वो बचपन से ही अनाथ था, और ईके को सारी मैजिक ट्रिक सिखाता है। लेकिन ईके को मास्क और हुड में छुप के रहना पड़ेगा, वरना ईके की लाइफ को खतरा हो सकता है बाकी के डीमन से, क्योंकि वो एक इंसान है। तो देखना यह है कि कब तक ईके अपनी आइडेंटिटी को छुपा के रखता है डीमन लॉर्ड और बाकी के डीमन से। इस एनिमे का फर्स्ट एपिसोड देखा जो कि काफी ज्यादा सरप्राइजिंग था मेरे लिए, क्योंकि मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना ज्यादा अच्छा होगा ये एनिमे। चाहे मैं बात करूं इसके एनिमेशन का, वीएफएक्स का या साउंड इफेक्ट्स का, सब बढ़िया है। और सबसे ज्यादा मुझे सरप्राइज करता है इस एनिमे का कैरेक्टर डिजाइन और साउंड इफेक्ट, जो एक्साइटमेंट क्रिएट करता है एनिमे देखते टाइम। और इसका फर्स्ट एपिसोड देखने के बाद ये मैं बोल सकता हूँ ये परफेक्ट फर्स्ट एपिसोड है। इस एनिमे का स्टार्ट तो काफी अच्छा, अगर इसी पेस पे ये एनिमे चलता रहा तो इस सीजन में ये एनिमे फाड़ देगा। तो देखते हैं कि आगे स्टोरी कैसे कंटिन्यू होगा, बाकी सीजन एंड पे तो फुल सीजन का रिव्यू आ ही जाएगा। और जो इस एनिमे को ऑनगोइंग फॉलो करना चाहता है तो सोचने की ज्यादा जरूरत नहीं है, एनिमे अच्छा है, देख सकते हो तुम। और इससे पहले कि आगे बढ़ो, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब बात करते हैं सेकंड एनिमे का, जिसका नाम है माय वाइफ हैज नो इमोशन, जो काफी ज्यादा वियर्ड एनिमे है, जिसको मैं शब्दों में बयां करूं तो मेन कैरेक्टर ताकुमा जो सिंगल है, मतलब कि अनमैरिड है, जिसका डेली का रूटीन है ऑफिस जाना, ऑफिस से सीधा घर आना, बाकी कुछ भी नहीं है इसके लाइफ में। तो ऐसे सिचुएशन में घर पे काम करना इसके लिए डिफिकल्ट हो जाता है। फिर ताकुमा डिसाइड करता है कि एक रोबोट खरीदेगा जो उसके घर का सारा काम कर देगा, और हाउसकीपिंग रोबोट ले आता है जिसका नाम होता है मीना, जिसको एज अ फीमेल रोबोट डिजाइन करा गया है। स्टोरी तो अब वियर्ड होगी जब ताकुमा रोबोट से ही फ्लर्ट करने लग जाता है, और फ्लर्टिंग के टाइम पे ताकुमा मीना को अपनी वाइफ बनने के लिए बोल देता है क्योंकि भाई को रियल लड़की ने रिजेक्ट कर दिया था, अब उनका भरोसा ही उठ चुका था रियल लड़कियों से। अगर इतना सुन के तुम वियर्ड फील कर रहे हो तो अभी कुछ भी नहीं सुना, आगे सुनो। और मीना इस बात को सीरियस ले लेती है एंड शी स्टार्टेड टू बिहेव लाइक हिज वाइफ। भाई क्या ही चल रहा है इस एनिमे में। और इस वियर्ड स्टोरी को एक्सप्लेन करने के चक्कर में एक वियर्ड चीज बताना तो भूल गया कि ताकुमा ऑलरेडी रोबोट के प्यार में अंधा हो चुका है। इसका टाइटल इस प्यार को क्या नाम दूं, ज्यादा सुटेबल है इसके ओरिजिनल नाम से। इस एनिमे की स्टोरी इतना ज्यादा वियर्ड होने के बाद भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अभी तक आपने तो ह्यूमन लव स्टोरी काफी देखी, अब देखो रोबोट और इंसान का प्यार। और मैं इस एनिमे को देखना चाहता हूँ कि ये कितना ज्यादा और वियर्ड हो सकता है, और ये भी देखना चाहता हूँ कि इस लव स्टोरी में क्या होगा आगे। तो देखते हैं कि इंसान और रोबोट के कोलैबोरेशन से कौन सा एआई बनता है। बाकी अब तुम खुद डिसाइड कर लो ह्यूमन और रोबोट की लव स्टोरी देखना है या नहीं, ये तुम पे छोड़ा है। और थर्ड एनिमे है द ओसा न्यूबी एडवेंचरर। सच बोलूं तो इस एनिमे से मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं था, लेकिन इस एनिमे का फर्स्ट एपिसोड देखने के बाद मेरा माइंड चेंज हो जाता है। ये स्टोरी है रिक की, जो अपने 30s की एज में एडवेंचरर बनना चाहता है, जो पहले गिल्ड में रिसेप्शनिस्ट का काम करता था उसको छोड़ के अब एडवेंचरर बनने के लिए निकल पड़ता है। और रिक को एक लेजेंडरी एडवेंचरर पार्टी ट्रेन करती है, और इस पार्टी का नाम होता है ओरी हेलकॉन फीस्ट। भाई कितना डिफिकल्ट नाम है यार, छोड़ो साइड करो। टोटल 4 मेंबर हैं इस पार्टी में, और चारों मॉन्स्टर से कम नहीं है। रिक का हेलिश ट्रेनिंग खत्म होने के बाद रिक को रियलाइज नहीं होता कि वो कितना ज्यादा पावरफुल बन चुका है, और ये एनिमे काफी ज्यादा सरप्राइजिंग था मेरे लिए। फर्स्ट एपिसोड जब स्टार्ट होता है मुझे लगता है कि मजा नहीं आएगा, लेकिन मैं गलत था। और बाकी तुम डिसाइड करो कि इस एनिमे को फॉलो करना है या गिव अप करना है। भाई मैं तो इन तीनों एनिमे को वीकली फॉलो करने वाला हूँ। अगर स्टोरी की पेसिंग ऐसी रही, इन तीनों एनिमे में से दो एनिमे काफी ज्यादा अच्छे निकलने वाले। पहला है द स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिशियन इन द डीमन लॉर्ड आर्मी वॉज ए ह्यूमन, और दूसरा द ओसा न्यूबी एडवेंचरर। अगर इन एनिमे का हिंदी रिलीज होगा तो मैं अपडेट कर दूंगा अपने चैनल पे हिंदी ऑडियंस के लिए। तो बस इस वीडियो को खत्म करता हूँ और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।